एक दिन एक सियार को फलों से लदा एक पेड़ मिल गया। उसने पेड़ से गिरे पके रसीले फल इकट्ठे किए और बस उनका स्वाद लेकर खाने बैठा ही था कि उसे दूर से आती शेर की दहाड़ सुनाई दी। उस चतुर सियार ने सोचा कि लगता है शेर भूखा है, ऐसा न हो कि वह इधर ही चला आए और ये मीठे फल मुझसे छीन कर खा जाए। वह चिंतित हो गया कि सभी जानते हैं कि शेर तो जंगल का राजा है और राजा होने के नाते उसकी भूख बहुत ज्यादा है और वह सबके खाने को छीन कर खाने को अपना अधिकार समझता है। उससे न करने की किसी की हिम्मत तक नहीं होती। शेर की दहाड़ अब पास से आती सुनाई दी, लेकिन अब तक चतुर सियार ने शेर से रस भरे मीठे फलों को बचाने की तरकीब खोज निकाली थी। जैसे जैसे शेर पास आ रहा था, सियार ने जल्दी जल्दी फलों के ढेर को खाना शुरू कर दिया। उसे पता चल गया कि शेर उसे लालचियों की तरह जल्दी जल्दी खाते हुए देख रहा है। तब अचानक वह जमीन गिर पड़ा और छटपटाने लगा और कराहने लगा, फिर छटपटाकर मृत जानवर की तरह शांत और स्थिर हो गया। आंखें भी उसने एक जगह टिका दी। शेर ने सोचा कि जरूर ये फल जहरीले होंगे, तभी ये बेवकूफ सियार इन्हें खाकर मर गया है। शेर अपने रास्ते लौट गया। उसके नजरों से खूब दूर चले जाने के बाद सियार उठा। उसने बचे हुए रसीले फल खाए और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक दूसरे सियार का कंकाल पड़ा मिल गया। वह उसे उठा लाया और फलों के छिलकों के पास उसे पटक दिया, ठीक वहां जहां उसने अपने मरे हुए होने का नाटक किया था। अपनी तरकीब पर खुश होता हुआ सियार अपनी गुफा में लौट गया। जब कुछ दिन बाद शेर फल के पेड़ के पास से गुजरा तो पेड़ उसी तरह लाल रसीले फलों से लदा था। उसकी भूख जगाई, वह कुछ कदम बढ़ा पर वह ठिठक गया। वहां बेचारे लालची सियार का कंकाल पड़ा था, उसे गिद्ध नोच रहे थे। उसे याद आ गया कि ओह, यह तो उस सियार का कंकाल है, वही यहां लालची की तरह इन फलों को गपागप खा रहा था, फिर छटपटा कर गिर गया था। उसने कसम खाई कि वह अब कभी किसी पेड़ का फल नहीं खाएगा। तब का दिन है और आज का दिन है। शेर ने किसी भी पेड़ के फल खाने से तौबा कर ली। इससे सियार और अन्य झाड़ियों में रहने वाले छोटे छोटे जानवरों को बड़ी खुशी हुई कि राजा होने के नाते शेर कम से कम उनके खाने पर अब हाथ नहीं साफ कर पाएगा। अब उन्हें अपने फल शेर के साथ नहीं बांटने पड़ेंगे, अब वे जितना जी चाहें उतने फल खा सकते हैं। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।